उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा यहां से आरंभ होती है। यहां रहने, बैठने, पानी, खाना, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी आज की है। सभी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा इस समय सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। ये ऋषिकेश का हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, लोगों के बैठने की, यहाँ शौचालय इत्यादि की, खाने की और स्वास्थ्य के लिए, और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं, यही सब जानकारियाँ आज की हैं। और कोशिश है कि चूँकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं कि किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है और ये यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ।